मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और अभी बाहर मतलब मैं दूध लेने गई थी जो मॉर्निंग में आता है। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको जो है आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो जस्ट अभी बस जो है ना, मैं बाहर से दूध लेकर आई थी और आज जो मिल्क का पैकेट था ना, वो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही कुछ गंदा हो रहा था। नहीं तो डेली मैं ऐसे बस पानी से क्लीन कर देती हूँ, बट आज ना इस पर पता नहीं अजीब से दाग लगे हुए थे। तो फिर मैंने हैंड वॉश की हेल्प से इसको क्लीन किया और उसके बाद मेरा काम होता है काउंटर टॉप को, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करना। कुकिंग करने से पहले मैं ये ज़रूर करती हूँ। और अभी देखिए बाहर का व्यू जो था ना आज, मतलब वेदर जो था वो सुहाना सा था, हल्का हल्का जो है ना मतलब कोहरा सा दिखाई दे रहा था। तो वेदर बारिश हुई ना अभी 2 दिन तक, तो काफ़ी अच्छा सा हो गया है। और बस यहाँ पर ना मैं अभी जो है क्लीन कर रही हूँ काउंटर टॉप को और गैस स्टोव को। इस सब को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही जो है मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। और उससे पहले जो मॉर्निंग वाली झाड़ू है ना आज मेरी, वो लगी नहीं थी, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने जो है काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद यहाँ पर मॉर्निंग वाली जो झाड़ू होती है ना वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अभी बस झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। और आज ना डुगू के स्कूल की छुट्टी थी, जो यहाँ पर DM है ना उन्होंने, कोई मेला था जिसकी वजह से उन्होंने सारे स्कूल की छुट्टी की हुई थी। तो मतलब डुगू की ये छुट्टी जो है ना अचानक से ही हो गई थी, हमें पता भी नहीं था। कल बस जब डुगू स्कूल से आया ना, उसके 1-2 घंटे बाद उसकी मैम का मैसेज आ गया था कि कल छुट्टी रहेगी, तो इसलिए भी थोड़ा सा जो है ना निश्चिंत थी मैं आज। नहीं तो सुबह सुबह का टाइम ना बहुत भागा दौड़ी वाला हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ आज नाश्ते की। तो नाश्ते में आज बनने वाला है जो बेसन का चीला होता है, वो स्टफ्ड चीला पनीर के साथ, मतलब पनीर की स्टफिंग करके। तो बस वही ना मैं यहाँ पर जब भी बेसन वाला चीला बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें थोड़ी सी सूजी ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे जो है ना जो चीला होता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने एक घोल रेडी कर लिया था। और आज जो है मैं शुभारंभ करने वाली हूँ इस नए वाले तवे का। तो मैंने मतलब जब इसे परचेज़ किया था ना, तो काफ़ी मतलब सोच समझकर और काफ़ी कुछ देखकर परचेज़ किया था। साथ ही इसके साथ ना ये इंस्ट्रक्शन वाला एक पैम्पलेट टाइप का आया था, जिसमें मतलब लिखा हुआ था कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो जो है मैं इसको क्लीन कर रही हूँ अपना जो जिससे मैं अपने यूटेंसिल क्लीन करती हूँ ना लिक्विड, उसी से। और देखिए यहाँ पर ना डुगू उठ कर आ गया था, जैसे ही वो उठ कर आता है ना सबसे पहले मेरे पास आकर मतलब मुझसे चिपट जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको क्लीन कर लिया है आगे और पीछे से दोनों तरफ से, और इसको अब मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैं भी जो है कास्ट आयरन का मतलब कुछ भी प्रोडक्ट पहली बार यूज़ कर रही थी, तो मुझे जिस जिस तरह से उस पैम्पलेट में लिखा हुआ था ना, मैं सारे इंस्ट्रक्शन वही फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने इसको पानी से वॉश कर लिया है और अभी मैं इसको एक सूखे क्लीन क्लॉथ की हेल्प से जो है ना, इसे बिल्कुल मतलब जो पानी है वो हटा दूँगी अच्छे से। तो अभी जो तवा है बिल्कुल साफ़ हो चुका था, अब इस पर हमें थोड़ा सा जो तेल है वो स्प्रेड करना है चारों तरफ तवे के। तो मैं बस इस ब्रश की हेल्प से जो है ना इसके चारों तरफ जो तेल था उसको स्प्रेड कर दिया है। और यहाँ पर ना मैंने एक काम और किया था, इस पर जो भी ऑयल एक्स्ट्रा हो आप उसे मतलब किसी कपड़े की हेल्प से या टिश्यू की हेल्प से उसे मतलब हटा दीजिए, जो भी मतलब एक्स्ट्रा ऑयल लग रहा है। अभी जो है मैंने गैस ऑन कर दी है और उसमें मतलब फर्स्ट टाइम जब इसको यूज़ करना है तो इसी तरह से उस पर लिखा हुआ था, अभी मैंने इसको गैस पर रख दिया है और इसे मुझे तब तक गैस पर रखे रहने देना है जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे।
आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से ना अब जो तेल मैंने लगाया था वो मतलब स्मोक होकर निकलने लगा है। अब इस टाइम पर आपको जो है गैस को ऑफ कर देना है और फिर इसको जो है ठंडा होने का आपको वेट करना है। तो जब तक मेरा जो ये तवा है वो ठंडा हो रहा है, तब तक मैं अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया था, तो उसमें जो भी मसाले वगैरह मुझे मिक्स करने हैं वो मिक्स कर लूँगी। और जो बेसन का घोल था उसमें मैंने बस थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डाली है, कश्मीरी मिर्च। और इसमें जो है ना मैंने नमक भी डाल लिया था दोनों चीज़ों में, और थोड़ा सा पानी डालकर जो बेसन वाला बैटर था ना उसको मतलब चीले के अकॉर्डिंग कर लिया था। तो इस तरह से बस मेरे जो चीले की प्रिपरेशन थी वो हो गई थी। तब तक मेरा तवा भी जो है ना ठंडा हो गया था। और फिर मैंने दोबारा से गैस ऑन की, तो मुझे ना स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि पता नहीं चीले इस पर बनेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने जब देखा था ना उस पर लिखा होता ऑमलेट और डोसा वगैरह आप ये सब बना सकते हैं। मैंने सोचा चलो जो चीला है वो भी बनाकर देखते हैं। और सच में मतलब जब मैंने इस पर ये बनाया ना, मैं सरप्राइज हो गई। इतने अच्छे से जो है चीले फैल रहे थे ना, एक भी स्टिक नहीं हो रहा था। नहीं तो आपने देखा होगा जो भी नॉन स्टिक पैन वगैरह आप यूज़ करें ना, तो जो स्टार्टिंग वाला चीला होता है ना वो थोड़ा सा चिपक जाता है, चाहे आप कितने भी मतलब परफेक्ट हों। बट इस पर जो है ना इतने अच्छे से एक तो बैटर स्प्रेड हुआ, और आप देखिए कितने अच्छे से जो है ना ये स्मूथली उतर भी गया था चीला। तो मुझे तो ये इतना पसंद आया ना, मुझसे जो है ना डोसा कभी भी नॉन स्टिक तवे पर नहीं बना। मैंने कई बार ट्राई किया है, बट जिस तरह से इस पर ये बैटर स्प्रेड हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं इस पर जो है ना डोसा भी इजीली बना लूँगी। तो देखते हैं कब जो है डोसा बनाने का दिन आता है। और मैं तो मतलब बहुत खुश हो गई इसे आज यूज़ कर कर, लगा कि वर्थ है इसमें पैसे इन्वेस्ट करना। और एक तो हेल्थ के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि कास्ट आयरन है तो ये आपकी हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। जो नॉन स्टिक वाले पैन वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोची हूँ कि कास्ट आयरन की और एक दो चीज़ें जो है ना मैं अपने किचन में ऐड करूँ। थोड़ी सी ये कॉस्टली ज़रूरत है, इतनी कॉस्टली भी नहीं। जैसे कि आप मतलब नॉन स्टिक का पैन भी अगर अच्छा लेंगे ना तो वो इससे महंगा ही आएगा। तो मतलब इतने कॉस्टली भी नहीं है, जो वो होते हैं नॉन स्टिक पैन उन्हीं के प्राइस में ये आ जाता है। तो एक दो चीज़ें और मैं अभी ऐड करने की सोच रही हूँ अपनी किचन में। तो इसका जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था ना इस तवे का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है। अभी आगे आगे देखते हैं, ऑमलेट वगैरह बनाकर देखेंगे इस पर, उत्पम वगैरह। तो जैसे जैसे जो भी चीज़ें बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ये तवा यूज़ करता है मतलब इस टाइप का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस देखिए, यहाँ पर ना नाश्ता बनकर रेडी हो गया था, और अभी डुगू को मैंने जो है चीला भी दे दिया था। तो वो यहाँ पर उसको ना चीला वगैरह जो भी ये चीज़ें होती है ना उसको फोक एंड नाइफ से खाने का शौक चढ़ता है। तो ये था हमारा आज का नाश्ता, चीला, और मैंने यहाँ पर घर की बनी हुई हरी चटनी ली है, थोड़ा सा सॉस और चाय। तो ये बस जो है नाश्ता वगैरह हो गया। अभी इस तवे को जो है क्लीन करने का मतलब नंबर आता है, तो उस पर ये लिखा हुआ था कि सिर्फ आपको जो है ना इसे यूज़ करने के बाद पानी से वॉश करना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, क्योंकि इस पर घी वगैरह लगा था, तो मैंने गर्म पानी की हेल्प से इसको 1 से 2 बार वॉश कर लिया था। और उसके बाद इसको कपड़े से अच्छे से मैंने पोंछ दिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इस पर। और उसके बाद आपको जो है इस पर जब भी आपको इसे रखना है ना, तो इस पर थोड़ा सा जो है तेल लगा कर रखना है, मतलब ऑयल स्प्रेड करके रखना है। तो बस कपड़े से सुखा कर मैंने भी थोड़ा सा ऑयल इस पर डाला है, इसको स्प्रेड कर दिया है, और अब ये रेडी हो चुका है मतलब स्टोर करने के लिए। अगर ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगे एंड में जो है ज़रूर उसको पोंछ दीजिए, नहीं तो उस पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी। तो देखिए, मैंने भी यहाँ पर ना टिश्यू की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था उसको रिमूव कर दिया है, और अब मैंने इसको स्टोर कर दिया था।
अभी जो है आज मेरी जो टू डू लिस्ट थी ना, उसमें मुझे दो काम करने थे अपने घर के। एक तो मुझे अपनी जो किचन कैबिनेट है ना, ऊपर और नीचे वाली, ये क्लीन करनी थी। साथ ही मुझे आज घर में जितने भी मतलब जाले वगैरह थे ना, पूरे घर के जाले क्लीन करने थे। तो कैबिनेट ऊपर वाली मैंने कर ली थी क्लीन, और बस सूखा कपड़ा लगाया है उन पर, क्योंकि जब आप एक गीला कपड़ा जैसे कोलीन से मैं क्लीन कर रही हूँ ना, तो वो गीले कपड़े के ना स्पॉट से दिखाई देते हैं। तो थोड़ी सी सूख जाने के बाद मैंने फिर सूखे कपड़े से क्लीन किया, तो ये बिल्कुल चमक रही थी। और नीचे वाली तो इतनी सुंदर लगती है ना, जिस दिन मैं इनको क्लीन करती हूँ ना, मेरी किचन में एक अलग ही साइन आ जाती है। भले से ये डार्क कलर है, ऑरेंज कलर, बट इस पर जो स्पॉट वगैरह होते हैं या हाथों के निशान ना, वो दूर से ही दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए बस मैंने आज जो है इनको क्लीन करना था। और जब तक मैंने मतलब किचन के कैबिनेट वगैरह क्लीन की, मैंने कपड़े पहले ही नाश्ता करने से पहले ही लगा दिए थे, तो मेरे कपड़े भी धुलकर रेडी हो गए थे। अभी इनको मैं आ गई थी बाहर स्टैंड में डालने के लिए, क्योंकि अभी एक दो दिन से तो बारिश हो रही थी, तो इतने ज़्यादा कपड़े मैंने वॉश नहीं किए थे। आज जो है डुगू की यूनिफॉर्म भी थी, तो उसको तो वॉश करना ही था। साथ ही साथ मैंने कुछ और भी डार्क कलर के कपड़े यहाँ पर लगा दिए थे। और अभी ना मैं नीचे देख रही हूँ, क्योंकि डुगू अभी पार्क में खेल रहा था, तो उसका जो फ्रेंड है ना, वो उसे काफ़ी मतलब केयर करता है, तो जिसे देख कर ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। कपड़े वगैरह जो हैं सारे मैंने फैला दिए हैं, अब चलते हैं अपने दूसरे कामों की तरफ। तो वॉशिंग मशीन को मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है इसको क्लीन कर देती हूँ आज। वैसे तो डेली मैं इसको मतलब हल्का सा कपड़ा लगा कर बंद करती हूँ, बट आज कोलिन की हेल्प से मैंने सोचा चलो क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका फ़िल्टर निकालती हूँ। फ़िल्टर में ज़्यादा गंदगी तो नहीं थी, बट फिर भी जब निकाला था तो मैं उसको जो है अच्छे से टैप के नीचे ही क्लीन करूँगी। साथ ही वॉशिंग मशीन को बस कोलीन वाले कपड़े से अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो जो इसका ये ऊपर वाला ये है ना कवर, मतलब ये जो कैप होता है इसका, जो ये मतलब इतना अच्छे से, क्योंकि ये ग्लास का होता है तो ये इतने अच्छे से मतलब साइन करने लगता है। तो मैं 15 दिन में या मतलब हफ्ते में एक बार जो है अपनी मशीन को इस तरह से क्लीन कर ही देती हूँ। अभी किचन का तो सारे काम हो चुके थे, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरी टू डू लिस्ट में आज घर के जाले साफ़ करना भी था, तो अभी बस सबसे पहले मैं जो है जाले क्लीन करूँगी सारे। तो सबसे पहले बेडरूम में आ गई हूँ, और यहाँ के जाले क्लीन करने के बाद बेडशीट को मैं अच्छे से जो है झाड़ दूँगी, क्योंकि जाले ना मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, तो इतने ज़्यादा नहीं लगते, बट थोड़े बहुत जो हो जाते हैं ना, तो उनको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मतलब अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना जैसे, या ज़्यादा दिन बाद आप क्लीन करते हो, तो वो वहीं वॉल पर चिपक जाते हैं। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम जो है क्लीन करती रहती हूँ। और वैसे भी मतलब मेरे घर में जो जाले वगैरह होते हैं ना, वो कम ही लगते हैं। तो यहाँ पर बस क्लीन हो गया था ऊपर से सारा, तो मैं यहाँ पर जो बेडशीट थी उसको मैंने झाड़ कर अच्छे से यहाँ पर वही बिछा दी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको चेंज किया है, तो अभी तो मैं इसको नहीं बदलूँगी। और वैसे भी इतनी ज़्यादा धूल वगैरह जो है निकली नहीं थी ऊपर से, तो इसको ही बस अच्छे से झाड़ कर मैंने यहाँ पर बिछा दिया था। अब बेडरूम का मतलब बेडरूम की जो क्लीनिंग थी वो हो गई है। अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, यहाँ की भी जो है ना अच्छे से मैं इस जो ये स्टिक है ना, इससे क्लीन कर दूंगी। पूरे घर के मतलब पूजा वाले रूम के और हस्बैंड के रूम के जो थे सारे जाले क्लीन कर दिए। और पूजा वाले रूम से ना मुझे याद आया, मतलब मैंने अपनी वीडियो में ना कई बार बता दिया है, फिर भी एक दो कमेंट आ ही जाता है किसी ना किसी वीडियो में, कि जैसे कल ही आया था कि दीदी आपने बेडरूम में मंदिर रखा है, इसको हटा दो यहाँ से, अच्छा नहीं है। तो गाइज मैंने कई बार बता दिया है कि वो मतलब उसमें बेड डला जरूर है, बट उसमें कोई भी सोता नहीं है। हम अपने जो अभी मैंने बेडरूम दिखाया जिसके मैंने अभी बेडशीट वगैरह झाड़ती, हम सिर्फ उसी में सोते हैं, उसमें कोई भी नहीं सोता। मंदिर वाले रूम में सिर्फ वो बेड डला हुआ है, क्योंकि वो हमारे पास पहले से ही था।
तो इसलिए मतलब मैंने सोचा कि चलो वीडियो में बता देती हूँ, तो उसमें कोई नहीं सोता, इसीलिए मैंने मंदिर उस वाले रूम में रखा है। और मतलब लिविंग रूम में मैंने अपना मंदिर इसलिए नहीं रखा था क्योंकि देखिए जब पूजा वगैरह करते हैं ना तो थोड़ी सी शांति चाहिए होती है, और लिविंग रूम ना मेरा हर टाइम बिजी रहता है, कभी डुग्गू बैठा रहता है, कोई आ जाए तब भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि मंदिर जो है ना एक कॉर्नर में होना चाहिए आपका, जहाँ आप शांति से पूजा वगैरह कर सकें। तो देखिए यहाँ पर ना सारी मतलब जाले वगैरह क्लीन करने के बाद अभी नंबर आ गया था सोफ़े के कवर वगैरह को क्लीन करने का, तो मैंने ये वाली ब्रश से आज सोफ़े के कवर को क्लीन किया। साथ ही जो टीवी कैबिनेट पर रनर है ना उसको भी मैंने आज इसी की हेल्प से क्लीन किया था। ये ब्रश जो है ना काफ़ी अच्छे से धूल धूल को जो है क्लीन कर देती है। उसके बाद डस्टिंग तो जो है ना मैंने पूरे लिविंग रूम की कल की थी, काफ़ी अच्छे से की थी, तो आज तो बस उन चीज़ों की मैं डस्टिंग करूँगी जो मतलब डेली बेसिस पर होती ही होती हैं, जैसे कि फ्रिज। इस पर दिन भर में इतने हाथ लगते हैं ना कि अगर इसे एक दिन भी क्लीन ना करूँ तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेंटर टेबल हो गई, मेरा डाइनिंग टेबल हो गया जिस पर कि 3 टाइम का खाना खाया जाता है, तो डाइनिंग टेबल पर भी काफ़ी मतलब इसकी मैट वगैरह पर स्पॉट आ जाते हैं खाने के, बच्चा है तो काफ़ी कुछ गिराता है, तो इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुझे जो डस्टिंग है ना वो डेली ही करनी पड़ती है। नहीं तो वो जो चीज़ें लिविंग रूम में रखी हैं उनकी सबकी क्लीनिंग मैंने कल कर दी थी, तो आज मैं वो डस्टिंग नहीं करूँगी। ये फ़ोटो फ्रेम आज मुझे ध्यान आ गए, ये नहीं तो नेगलेक्ट होते रहते हैं, तो आज इनको भी जो है ना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि फ़ोटोओं पर जो है ना धूल वगैरह नहीं बैठनी चाहिए। उसके बाद मैं आई अपने बेडरूम में, तो बेडरूम की भी ना मेरी एक यही कहानी है। आप देखते होंगे छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मेरी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें रखी रहती हैं, जैसे सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, नेल पॉलिश, तो ये ना मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। बट क्या है, डेली मेरे जो हस्बैंड है ना वो टेलकम पाउडर लगाते हैं, तो जब वो उसको मतलब लगाते हैं ना तो उसकी जो धूल है ना सारी चीज़ों पर डेली बैठ जाती है, तो मुझे ये चीज़ें भी ना डेली ही क्लीन करनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर वो मतलब हाथों पर लगती है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अब देखिए यहाँ पर सारा काम हो चुका था, सारे घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। एंड में जो मेरा काम होता है वो होता है सारे मैट डालना, जैसे बेडरूम का, किचन का, सब जगह का। तो बस यहाँ तक मेरे सारे घर के काम हो गए हैं। अभी मैं चली गई थी शहर लेने, और आकर अपना थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह करूँगी। एक दो दिन से ना फेस पैक लगाने की सोच रही हूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन देखती हूँ जल्दी ही टाइम निकालती हूँ। तो बस आज की जो मेरी वीडियो थी ना वो यहीं तक की थी गाइस। आई होप आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए।